नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और यह हमारे यूट्यूब चैनल इंदू जी के रेमेडीज़। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पूर्णिमा के बारे में और दत्त भगवान जयंती के बारे में। दत्त भगवान जो है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही रूप है। आप देखेंगे दत्त भगवान को तो देखिए, उनके तीन सर हैं और छः हाथ हैं, वो तीनों का ही एक ही रूप माना जाता है। और ऐसे में अगर आप इस दिन कोई भी मनोकामना करते हैं या सच्चे मन से उपाय करते हैं ना, तो आपके काम होने लग जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको पितृदोष है, आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान आपको नहीं हो रही है, या संतान से रिलेटेड आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, घर में जब देखो कोई ना कोई क्लेश चला रहता है, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ है, अगर ऐसी कोई भी आपको परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आज के दिन आपको उपाय ज़रूर से करना चाहिए और इसका फल आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। अगर इन केस आप सपोज़ ये आप उपाय नहीं कर पाते कल वाले दिन, तो मैं आपको बता दूं कि जो पूर्णिमा के उपाय हैं वो तो आप हर पूर्णिमा पे कर पाएंगे, और जो दत्त भगवान के जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो इनकेस आपके मिस हो जाते हैं या आप इनको रिपीट करना चाहते हैं, तो हर अमावस और हर पूर्णिमा पे आपको इनके उपायों को करना चाहिए। जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे परिवर्तन आप देख पाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा भी माना जाता है कि जो पितृदोष है ना, वो ऑलमोस्ट 100 में से 90 लोगों को ये होता ही होता है। तो अगर आप ये सच्चे मन से ये उपाय करते हैं तो इससे परिवर्तन आएगा। आज मैं आपको तीन मंत्र बताने वाली हूँ, ये आप तीनों मंत्र करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तीनों मंत्र नहीं कर पाएँ तो एटलीस्ट आप एक मंत्र उसमें से ज़रूर से कीजिएगा। और हर बार जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठना है या आसन लगा के आपको बैठना है या आपको पर्टिकुलर माला से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको टाइम लिमिट बता दूंगी, उस टाइम लिमिट को रखते हुए आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पूर्णिमा के उपाय बता देती हूँ। जो पूर्णिमा के उपाय हैं वो इस प्रकार हैं कि आपको उस दिन अगर व्रत आप रख पाएँ तो बहुत ही सुपर, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप उस दिन हल्का खाना खाइएगा। आपको सात्विक भोजन ही करना है जितना हो सके। दूसरी बात, आपको कम बोलना है, कम आपको खाना है, जितना हो सके मंत्र का इस दिन पूरा दिन आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या सिर्फ ओम नमः शिवाय भी अगर आप पूरा दिन मंत्र का जाप करते रहेंगे तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ऑलरेडी मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आपको ईजी करके बताती हूँ। खास तौर पर मिरर थेरेपी के बारे में आपसे मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। पहले के पूर्णिमा के वीडियो में मैंने आपको एक मिरर के बारे में बताया था, याद है? अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आज मैं उसका और एक आपको इजी वर्जन बता देती हूँ। तो देखो इजी आपको क्या करना है इसमें, कि अगर इनकेस आपको गोल मिरर नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी मिरर आपके पास आईना घर में अवेलेबल होगा वो आप ले लीजिए, पुराना तो पुराना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया आईना ही आपको लेना है, पुराना जो आप इस्तेमाल करें वही आईना लेंगे, साइज़ उसका कोई भी होना चाहिए। अब इसको आपको क्या करना है, चंद्र की रोशनी में रख देना है। कम से कम 3-4 घंटे तो आप ज़रूर रखिएगा, 3-4 घंटे नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो आप ज़रूर रखिएगा। और इस प्रकार से होना चाहिए कि चंद्र जो है या चंद्र की जो रोशनी है वो उस आईने के अंदर पड़नी चाहिए। और बाद में आप क्या करेंगे, उसको एक काले कपड़े में आप इसको लपेट के रख देंगे, या कोई भी अगर आपके पास डार्क कलर का कपड़ा होगा तो उसमें आप इसको लपेट के रख दीजिए, पुराना कपड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें आपको लपेट के उसको रख देना है और बाद में दूसरे दिन सुबह नहाने के बाद आपको उसमें अपना चेहरा देखना है। इसमें महिला पुरुष दोनों ये उपाय कर सकते हैं। आपको अपने अलग अलग यहाँ पे आईने रखने होंगे, क्योंकि जैसे आप खोलेंगे तो आप उसमें अपना चेहरा देखेंगे। तो ये आप कर सकते हैं सुबह। मैं आपको और एक ईजी टेक्निक बता देती हूँ। आप क्या करें, 15 से 20 मिनट आईने को चंद्र की रोशनी में रख दें, जब वो पूरी तरह से एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। ऐसा तो देखिए डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं चंद्र को, आप उनकी रोशनी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है, लेकिन मैं आपको मिरर टेक्निक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आईने में वो क्षमता होती है कि वो रेस को और ज़्यादा वो खींच लेते हैं अपनी तरफ, और जब आप उसमें देखते हैं तो उसका डबल गुना ज़्यादा आपको उसका असर मिलता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आप आईने का इस्तेमाल करें। तो आपको क्या करना है, उस आईने को आपको 15 से 20 मिनट चंद्र की रोशनी में रखना है और उसी वक्त उठा के आप उसमें अपना चेहरा देख लीजिए। और आपको ये मन में सोचना है उस वक्त कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी जो ऑरा है यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही अच्छी हो चुकी है, आप जो भी बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, मतलब अपने आप को बोलना है कि मैं जो भी बोलता हूँ या बोलती हूँ मैं अच्छा ही बोलती हूँ, लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। इस तरीके से आप जो भी चाहते हैं ना वो प्रेजेंट टेंस में चीज़ हो चुकी है, ऐसे आपको ये बोलना है आईने को देखते वक्त।
हार्डली 2 या 3 मिनट के लिए आपको ये देख के बोलना, आप वहीं पे खड़े खड़े भी बोल सकते हैं या उसको काले कपड़े में ढक दे, घर पे लेके आए और फिर आप उसको खोल के देख लें ताकि दूसरे उसमें रिफ्लेक्शंस उसमें तब तक ना आ जाए। इसलिए कवर करना उस वक्त ज़रूरी है अगर इनके साथ घर पे लेके आ रहे हो, आपने छत पे उसको रखा हुआ है तो, नहीं तो डायरेक्टली आप देख के वहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आपको चंद्र को आज के दिन अर्घ जरूर देना है, लेकिन अर्घ के लिए आपको क्या करना है, शुद्ध पानी लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा आप सफ़ेद चंदन का पाउडर आप डाल दीजिए, मामूली सा आपको डालना है और उसके बाद ही आपको ये जो जल है चंद्र को अर्घ देना है। और चंद्र को जब आप अर्घ देंगे तो अर्घ देने के बाद आपको ये बोलना है कि जो भी चंद्र की रोशनी है, जो भी उसकी एनर्जी है, वो मेरे अंदर समा गई है। तो यानी कि आप मिरर थेरेपी भी करेंगे, आप चंद्र को देख के डायरेक्ट उनकी भी थेरेपी करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर पाएंगे। आप ये करके ज़रूर देखिएगा, ये तो मेरा कई बार आजमाया हुआ है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही इमीडिएट आपको दिखाई देंगे, बहुत ही इमीडिएट, ये बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव। आज मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, पहले मैं बता चुकी हूँ लेकिन इसका आज मैंने बहुत ही ईजी वर्जन आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अगर कोई पीरियड्स में है तो ऐसे में मिरर थेरेपी आप आसानी से कर सकते हैं। मिरर वाला आप कीजिएगा, अर्घ देने वाला आप मत कीजिएगा, केवल आप चंद्र को देख सकते हैं और वो एनर्जी को अपने अंदर ले सकते हैं और आप मिरर थेरेपी कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो अर्घ देना है, जो जल चढ़ाना है, वो आप बस स्किप कर दीजिएगा, वो आप किसी और से भी करवा सकते हैं, न तो नेक्स्ट पूर्णिमा जब आएगी तब आप कर लीजिएगा। आपको आज के दिन चंद्र को सफ़ेद फूल भी जरूर से चढ़ाने चाहिए। अर्घ जब आप दे देंगे तो उसके बाद सफ़ेद फूल आप चढ़ा दें, कोई भी सफ़ेद फूल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सफ़ेद फूल आप मनोकामना करते हुए ज़रूर से चढ़ाई दें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पूर्णिमा और दत्त जयंती भी है, तो ऐसे में अगर आप ये सफ़ेद फूल भी चढ़ाते हैं तो बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे कि मैं हर बार आपको पूर्णिमा पे बताती हूँ कि खीर आप ज़रूर से बनाइएगा, ये हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि अगर आप ये चंद्र की रोशनी में रखी हुई खीर खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आता चला जा रहा है, धीरे धीरे इसका असर होता है। हालाँकि देखिए वक्त लगेगा लेकिन उसका असर ज़रूर से होता है। आपको क्या करना है, सिंपल सी आपको खीर बना लेनी है, उसको मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में आपको उसको भर देना है। ड्राई फ्रूट्स आप ऐसे में अवॉइड कीजिएगा और फिर आपको मलमल के कपड़े से उसको ढक देना है, ऊपर से आप उसको धागे से बांध दीजिए ताकि वो कपड़ा उड़े नहीं। इसको चंद्र की रोशनी में आप रख दीजिए, कम से कम 2 या 3 घंटा या रात भर आप रहने दें और दूसरे दिन सुबह आप सभी परिवार वालों को नहा के उस खीर को खाना है। या तो आप रात को भी आधा एक घंटा रख सकते हैं, बाद में आप इस खीर को फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो आप उसको खा लीजिएगा। देखिए इससे परिवर्तन आता ही आता है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत वक्त से बीमार है तो ये खीर वाला जो मैंने उपाय बताया ना, ये आप जरूर से कीजिएगा और उनके लिए मिरर थेरेपी भी बहुत अच्छे से काम करेगी। मिरर उनको देखना, आप उनके लिए एनर्जाइज करके मिरर ले आए और उनको सीधा मिरर अपने उनके हाथ में दे दीजिए, वो कपड़े से निकालेंगे, उसमें अपना चेहरा देख लें और वो बोले कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस तरीके से आईने को देखते हुए सच्चे मन से बोलना है, देखिए इसका परिवर्तन आना ही आना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके काम होने लगे। ये तो सुपर शॉर्ट में आज आपको रेमेडीज बता दी, ये बहुत अच्छे से काम करती है। कई लोगों ने तो इसको ट्राई भी किया और उसके कमेंट्स भी आने लगे कि हाँ इसके काम होते हैं, इसके रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी दत्त भगवान जयंती के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज 2 ओकेजन्स एक साथ आ रहे हैं, तो अगर आज के दिन आप ये उपाय करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो पूर्णिमा के तो उपाय आप करेंगे ही करेंगे, प्लस आप ये भी उपाय कीजिएगा। आपको देखिए क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर रेमेडी आपको करना है। पूरे दिन में आपको मंत्र जाप कभी भी ये करना है, किसी भी समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी भी डायरेक्शन में बैठ के कहीं पर भी आप ये कर सकते हैं। 5 मिनट आपको शुरुआत में ओम 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 आराम आराम से आपको इसका मंत्र का जाप करना है। बाद में जब आप 5 मिनट के लिए ओम कर ले, उसके बाद जो नेक्स्ट मंत्र है श्री दिगंबरा दिगंबरा श्रीपद वल्लभ दिगंबरा, इस प्रकार से आपको आधे घंटे तक इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो कम से कम 1.5 घंटा इस मंत्र का जाप आप ज़रूर से कीजिएगा, कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करना है। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा मंत्र, हरिओम तत्सत जय गुरु दत्ता।
बस इस प्रकार से आपको ये मंत्र का जाप करना है। इसको आप 5 मिनट भी करेंगे तो भी काफ़ी हो गया, आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं ये 2 मंत्र में से। लेकिन सबसे पहले आपको ओम से शुरुआत करनी है, फिर जो दूसरा मंत्र बताया और जो ये मैंने अभी आपको तीसरा बताया, ये दूसरा और तीसरा कैसे भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो मंत्र है दिगंबरा वाला वो आपको आधा घंटा तो करना ही है। अगर आप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो 15 मिनट के लिए तो ज़रूर से आप कीजिएगा इस मंत्र का जाप। कैसे लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अब आपके काम होने लगे। मुझे तो पूरी तरह से इस बात की एश्योरिटी कि आपके काम होंगे ही होंगे, बस आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वाकई में आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे ज़रूर से बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि यही तो एक ज़रिया है जहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। नहीं तो मैं तो यहाँ पर आपको वर्बली बता सकती हूँ, आप तो मुझे लाइक या कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो इससे मेरे अंदर भी बहुत एक अच्छा इंस्पिरेशन आता है, मुझे लगता है कि नहीं मैं अब आपके लिए और बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँ। तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को याद से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं अलग अलग तरह के वीडियोस डालती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हरिओम।